तो हाय गाइस, आज की डिस्कस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ कल पांडे। देखिए देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो याद है, जनरल कोर्स याद है, तो पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन था सबसे बड़ा, जो डिसकंटेंट हो गया था ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच। बात क्या थी, जो पॉलिसीज थी कॉलोनियल रूल, तो लोगों का एक्सेप्ट नहीं हो रही। लोग चाह रहे थे कि बहन चोदे अंग्रेजों को आया, फॉरन जो इन्वेजन था उसके लिए लोग ये सोच रहे थे, तो डिसलाइक कर रहे थे कि हमसे नहीं सा। इस फॉरन इन्वेजन में बेसिकली पहले ये हैपन हुआ था, इंडिया के रूल में चीज़ें सेटल हो गई थी, लेकिन ये चाहते थे लोग कि नेटिव कल्चर साथ मिक्स हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि वो पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पहले तो मिक्स होने आए थे, लेकिन बाद में उन लोगों का एक्सप्लोटेशन हो गया। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक का। ब्रिटिश लैंड के रेवेन्यू पॉलिसीज थी, यहाँ पे हाईएस्ट लैंड टैक्स दिया जाता था। सिस्टम ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बेकार था, जो कलेक्टर थे टैक्स कलेक्ट करते थे और जो सारे गोरे थे। वेस्टर्न जुडिशरी थी, वेस्टर्न लॉ के हिसाब से वो काम करती थी। 12 मेजर और माइनर फैमिलीज थी 1773 1857 के बीच, सॉरी नॉट फैमिलीज, फेमाइंस, बेसिकली फेमाइन हो गई थी। और ये फेमाइंस रूल रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से और बेकार वाली। 1857 में क्या हुआ, कोई पॉलिसीज नहीं आई टैकल करने के लिए। जस्ट था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एक्सक्लूजन हो रहा था, वेल पेड, हाई कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। ग्रेजुअल डिसिप्लिन से डिफीट हो रहा था इंडियन स्टेट्स का, जो बेसिकली लाइवलीहुड्स को बताता है। सी केस का पॉइंट बेसिकली क्या बना था, पिंटारी, जो लोग पहले हर्ष के लिए काम करते थे लेकिन उनको भगा दिया गया था, वो बन गए थे पिंडारी से लूटने के लिए, क्योंकि वही बात है, उनको भी सरवाइव करना था, उनको भी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। रीजन क्योंकि उनको वेल पेड जो हाई पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में दिए नहीं जाते, सब क्वालिफाइड थे। फिर डिसअपीयरेंस और डिफीट होता था इंडियन स्टेट्स का, की वजह से बेसिकली उनके आजीविका वो छूट जाते। और ब्रिटिशर्स थे, वो पैटर्नाइज नहीं करते थे, आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन थे, जितने भी आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन थे, किंग्स जैसे किंग्स और नवाब थे, वो तो उनको अपने दरबारों में बिठा के रखते, इज्जत देते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग उल्टा उनका शोषण करते, अनपॉपुलर थे अमंग द पीपल, बेसिकली फॉरिगनेस थी नेचर ऑफ द ब्रिटिश, डिफरेंट फिजिकल अपियरेंस थे उनके, बेसिकली वो हमसे अलग थे, गोरे थे, कल्चर अलग था उनका, ट्रेडिशन अलग। फीलिंग ऑफ रेशियल सुपेरियरिटी और अमंग द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स अपने आप को ऊपर मानते थे, इंडियंस उनके लिए गवार थे, वो सोचते थे कि हम इनको सभ्य बनाने के लिए यहाँ, हम कोई राज नहीं कर रहे हैं यहाँ, खाली ना सुधारने के लिए। जो वाइट मैंस बर्डन थ्योरी थी वो थ्योराइज की जाती थी, बेसिकली ये बोला जाता था कि गॉड ने उन्हें भेजा है सिविलाइज करने के लिए, रेस्ट ऑफ द, तो हम वाइट मैन और हमें ही सब कुछ पता है, और भगवान ने हमें बाकी सारी दुनिया के लोगों को सिविलाइज करने के लिए। एक्चुअलिज्म क्या था, एक्सप्लोइट कर रहे थे नेचुरल रिसोर्स, इंडियंस को एरोगेंस और कंटेप्ट के साथ ट्रीट करते थे, और जो पीपल्स ऑफ इंडिया हैं उनको स्टिल एंटी ब्रिटिश फीलिंग यहाँ पे महसूस, वो सोचते थे कि हम क्यों ही कर रहे हैं। मिलिट्री डिफीट्स होती थी ब्रिटिश आर्मी की, ब्रिटिश आर्मी सफ़र करता था मेजर रिवर्स, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हो गया, या एंग्लो सिख वॉर्स हो गया, क्रीमन वॉर्स हो गया, इन वॉर्स ने शैटर कर दिया था जनरल बिलीफ, जो जो ब्रिटिश आर्मी के हिसाब से दिखाता था। सबसे बड़ा मील के पत्थर का काम किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि एनेक्सेशन था अवध का डलहौजी के द्वारा, वो बेसिकली एक लोगों के लिए एक शोक का कारण था। जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स थी, सतारा 1848, जैतपुर एंड संभालपुर 1849, बागपत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854 और नागपुर 1864। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज क्या थे, जो चार्टर एक्ट था 1830 का, मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था इंडिया में कि आप क्रिश्चियन आइए और यहाँ पे अपना धर्म फैलाइए। उसी तरह से आप देखते हैं साउथ इंडियन केरला में काफ़ी सारे आपको क्रिश्चियंस देखने को, आज के टाइम जो एक्टिविटी थी क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन्स की, वो भी एक मील का पत्थर थी। 1837 में इंग्लिश को यूज़ किया जाता था एज ए कोर्ट लैंग्वेज,
पर्शियन को हटा के ओनली इंग्लिश को यूज़ किया जाता था एज ए लैंग्वेज, ये खाली इंग्लिश यूज। 1844 में क्या था, नॉलेज ऑफ द इंग्लिश वर्ज मेड कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। बेसिकली अगर आपको किसी सरकारी नौकरी में आना है तो आपको अंग्रेजी तो आनी, ये हालात हो गए। अब जो एबोलिशन था कस्टम्स ऑफ सती एंड इंसेस्टिसाइड्स का, इन सब को हटा दिया गया था। टेक्निकली ये देखा जाए तो अच्छी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा को हटा दिया गया था 1843 में। प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन सेक्रीफाइस, 1843 में ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी हटा दिया गया, जो बलि देने की प्रथा थी। 1850 में एनेक्टमेंट ऑफ एन एक्ट विच ए क्रिश्चियन टू इनहेरिट द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, बेसिकली इस एक्ट को भी हटा दिया गया था जिसमें एक क्रिश्चियन को एनेबल करता था कि अपने इनहेरिट कर सकता है अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी को। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा की दोबारा शादी करने का एक्ट लेके आया। इमीडिएट कॉज क्या थे सबसे बड़े, आप अगर आपने मंगल पांडे देखी हो, एक राइफल उस टाइम पे दोस्तों काफ़ी इंट्रोड्यूस हुआ करती थी, इनफील्ड राइफल बोलते, जो आज कंपनी मोटरसाइकिलें बनाती रॉयल इनफील्ड, वो इनफील्ड टाइम पर राइफल्स बनाती। और उस राइफल में क्या था, जैसे कि फोटो में दिखाया गया, राइफल के अंदर ना कारतूस डालना, और कारतूस को डालने से पहले उसको तो मुंह से छीलना पड़ता था और फिर वो कारतूस बंदूक के अंदर भरना पड़ता। लेकिन ये अफवाह फैली गई थी बाद में कि जो कारतूस के ऊपर जो काटेज है ना कारतूस के आगे से, जैसे पुड़िया सी बनी, तो जो ग्रीस लगी हुई वो गाय और सुअर के फैट से है, गाय और सुअर की चर्बी उसमें यूज होती है उसको चिपकाने की। अब गाय दो के लिए पवित्र थी, सुअर इनके लिए हराम था मुस्लिमों के लिए, तो दोनों ही धर्म के लोगों आर्मी में बेसिकली इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वैसी बात है आप अपनी गाय माता का फैट है, मांस लगा हुआ है, तो अपने मुंह से छील रहे हो मतलब मांस खा रहे हो। सेम चीज़ मुसलमानों के साथ थी, आर्मी में हिंदू और मुस्लिम दोनों। इसी चीज़ को लेके सिपाहियों ने बेसिकली विद्रोह किया, इसी चीज़ को लेके बात की गई, लेकिन उन्हें शांत करा दिया गया झूठ बोल के कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो ब्रेकअप ऑफ द आर्मी कैसे था उस टाइम, जो 2,38,000 लोग थे वो नेटिव सोल्जर्स, मतलब अपने हिंदू मुस्लिम, और 45,000 खाली ब्रिटिश सोल्जर्स, सॉरी। जो बिगनिंग एंड कोर्स ऑफ द रिवोल्ट क्या था, 29 मार्च 1857 को सिपाही क्या थे, बैरकपुर बंगाल रिफ्यूज टू यूज अ न्यू राइफल काटे। तो 1857 में सिपाहियों ने बंगाल में रिफ्यूज मतलब मना कर दिया न्यू राइफल काटे यूज करने से। सिपाही मंगल सिंह पांडे, 34th नेटिव इन्फेंट्री फायर ऑन द सुपीरियर, वॉज हैंग्ड ऑन द 6 अप्रैल। मंगल पांडे को बेसिकली फांसी पर लटका दिया गया 6 अप्रैल को, क्योंकि वो पैदल सैनिक था, घुड़सवार और पैदल सैनिक दो थे। 24 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल को रिवोल्ट शुरू हुआ मेरठ में, 58 किलोमीटर दिल्ली से दूर, जो आज का मेरठ है। 5 सिपाही थे जो कैवलरी, बंगाल कैवलरी के लोग थे, उसको भी लटका दिया गया, 85 को जेल में डाल दिया। 10 मई को जो सोल्जर्स थे मेरठ के, उन्होंने अपने सुपीरियर्स को मार दिया, और जो अपने साथी थे जो जेल में बंद थे उसको आज़ाद कराया और दिल्ली की तरफ कूच कर, यहाँ पे जो प्रोक्लेम्ड एज 1817 बहादुर शाह, बहादुर शाह बेसिक वहाँ जो शासक थे, लास्ट शासक मुगल शासक थे वो वहाँ पे थे, तो बिल्कुल पावरलेस बिल्कुल बूढ़ा बंदा, उसको तो बोला कि हम आपको एज एम्परर ऑफ इंडिया घोषित। बहादुर शाह वॉज रिलेक्ट, पहले उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने बेसिकली ओवर पावर किया सिटी ऑफ दिल्ली ऑलरेडी, तो उन्होंने उसको ऑलरेडी बोला मतलब बोला कि आप करिए। 1857 में रिवोल्ट झांसी ग्वालियर लखनऊ इलाहाबाद के लिए फैल, और ये चिंगारी का काम किया क्योंकि लोग पहले से वहाँ भड़के हुए बैठे, और इसने एक आग में चिंगारी का काम किया था। पूरा का पूरा बंगाल आर्मी जितनी भी थी रिवोल्ट के अंदर स्प्रेड हो गई, अवध रोहिलाखंड और दुआब में और बुंदेलखंड में, सेंट्रल इंडिया था या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बिहार थे पंजाब, हर जगह ये चीज़ फैल। मेजर इवेंट्स क्या हुए, जो लीडर ऑफ द रिवोल्ट बकत खान, कोतवाल कमांडर इन द चीफ ऑफ दिल्ली, तो बकत खान क्या था, लीडर था रिवोल्ट, और बकत खान कमांडर था बहादुर शाह की आर्मी, और वो बेसिकली बहादुर शाह के कहने पे रिवोल्ट में आया। जो कानपुर में क्या थे, नाना साहेब, दो मेन सपोर्टर थे तात्या टोपे और अजीमुल्ला, और जो लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड था उसका अडॉप्टिव सन था नाना साहेब, नाना साहेब के दो ट्रस्टेड जन।
तात्या टोपे और राजी मुंडा। और डूरिंग द 1857 मीटिंग नाना साहेब और तात्या ने कानपुर से ब्रिटिशर्स को आज़ाद कराया था, ब्रिटिशर्स ने कानपुर को आज़ाद कराया था। और जो ब्रिटिश आर्मी थी कोलियन कॉम्पवेल की, डिफीट किया था नाना साहेब। लखनऊ, लखनऊ में रिवोल्ट हुआ बेगम ऑफ अवध हज़रत महल के अंदर। और जो हज़रत महल है वो बेगम ऑफ नवाब, बेगम थी नवाब वाजिद अली शाह, जो पेंशन ऑफ कर दिया गया था एनेक्सेशन ऑफ अवध के बाद। जो कोलिन कैंपलेन था जनरल ऑटम था उसने कैप्चर कर दिया था अवध को, बेगम। लखनऊ एंड कानपुर कंसिडर वायलेंस फ्रॉम द रिबेल्स। लखनऊ और कानपुर में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखा, किलिंग ऑफ मैनी एस्केपिंग ऑफिसर एंड फैमिली। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के फैमिली को मारा। असल में सीन क्या था, आपने ये चीज़ भी देखी, भड़का दिया गया था। जैसे ब्रिटिशर्स की फैमिली है वहाँ से जा रही थी, तो निहत्थे लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं, वाइफ और उनके बच्चे थे, तो उनको आग लगा दी गई घाट, लोगों को भड़का के। और इसी से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा भड़क गई थी। और यही चीज़ थी, ये बात लंदन तक चली गई कि इंडियंस ने ये कितनी बर्बरता दिखाई है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक प्रोपेगेंडा यूज रूल बैक करने के लिए लंदन में, कि भाई इंडियंस ने कितनी बर्बरता दिखाई है यहाँ पे, तो हमारे निहत्थे बच्चों, हमारी बीवियों को मारा गया। जो ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर किया इन टाउन्स को, तो उन्होंने एक को भी नहीं छोड़ा। और बेसिकली जो काउंटर अटैक था वो ब्रूटल था, उससे भी जितना उन्होंने किया था उससे भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने। 5 सेंचुरी में जो रूल्स बेसिकली इंडिया के थे, EIC ने एग्जीक्यूट किया बेगर्स। EIC ने इवन बेसिकली जो भिखारी थे उनको भी नहीं छोड़े। झांसी में क्या था, कानपुर को कैप्चर करने बाद नाना साहेब को उनने तात्या टोपे को 20,000 मैंस के साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी में भेजा उसकी रक्षा करने। झांसी रानी लक्ष्मीबाई लेट कर रही थी और जो ब्रिटिशर आर्मी के अंदर से लड़ाई कर रही थी, और वो डिफीट हो गई ब्रिटिश फोर्स नहीं घर पे, और बेसिकली एस्केप कर गई झांसी। ग्वालियर में तात्या और लक्ष्मीबाई हेल्प लेते हैं सिंधिया और ग्वालियर से, लेकिन सिंधिया ने ब्रिटिशर्स का फेवर किया। और इसी डेयरिंग रेड में तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई दोनों कैप्चर कर दिए गए ग्वालियर में। बेसिकली इन्होंने धोखा किया सिंधिया ने। तात्या टोपे एक्सपर्ट था गुरिल्ला वॉरफेयर में, और वो उसे भी कोऑर्डिनेट करता था अटैक राजपूताना राजस्थान, मालवा, पंचमहल, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। पंचमहल बेसिकली ऑर्गेनाइज था मिल में के, और अल्टीमेटली होल रिवोल्ट फेल हो गया। जो रिबेलियंस थे वो ब्रोकआउट हो गए थे कुछ प्लेसेस पे, लाइक राजस्थान, नीमच, कोतारू एक्सेट्रा में। और काफ़ी सारे बेसिकली आर्म्स थे और वो किंग्स थे, वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। बिहार में कुंवर सिंह जमींदार ऑफ आरा एंड फैजाबाद मौलवी इलाहाबाद। डूरिंग द रिवोल्ट ब्रिटिशर्स शिफ्ट द हेडक्वार्टर फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद। रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिशर्स ने अपना हेडक्वार्टर भी शिफ्ट कर लिया दिल्ली से इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट फाइटर्स कौन थे, दिल्ली में बकात, कानपुर में नाना साहिब तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में यात अली, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद खुदा, बरेली में खान बहादुर खान, हरियाणा में राव तुकाराम, बांदा में नवाब अली बहादुर, कोवा और मारवाड़ में चल सिंह, बिहार में वर सिंह। बैटल और रिबेल्स क्या था, जो बहादुर शाह जफर थे ने एग्जाइल किया रंगून, नाना साहिब ने एस्केप किया नेपाल को, बेगम हजरत महल ने एस्केप किया नेपाल को, और तात्या टोपे ने एस्केप किया, और वो एस्केप या मार दिए गए चीज़ का नहीं पता चला। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वो मारी गई बैटल फील्ड। वीकनेस क्या थी रिवोल्ट का, सप्रेशन क्या था, जो रिवोल्ट था ये बेसिकली इसने सारे कंट्री में, पूरे कंट्री में नहीं फैल पाया एक साथ में, रिवोल्ट पूरी कंट्री में फैलता तो आज 1857 में ही भारत आज़ाद हो गया होता। ये साउथ इंडिया में स्प्रेड हुआ ज़्यादा, लेकिन सॉरी ये साउथ इंडिया में स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा हुआ। इंडियन किंग्स थे उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स थे, जैसे सिंधिया ग्वालियर थे, होलकर ऑफ इंदौर थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर एंड अदर राजपूत रूलर्स। जो नवाब हैं भोपाल के, रूलर्स हैं पटियाला के, और जो महाराजा है कश्मीर के, राणा नेपाल, और लार्ज नंबर ऑफ बिग जमींदार, उन्होंने एक्टिव सपोर्ट दिया ब्रिटिशर्स को। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस हैं उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया रिवोल्ट को, क्योंकि बैकवर्ड आउटलुक को देखना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि रेबल्स हैं ये, बेसिकली अपने किंगडम्स को वापस लेना चाहते हैं, ये रेबल हैं, विद्रोही हैं।
रिबल्स हैं वो बेसिकली मॉडर्न वेपन्स नहीं थे उनके पास, या दूसरा मेटेरियल नहीं था वॉर्स लड़ने के लिए। पुअरली ऑर्गेनाइज थे, लैक ऑफ यूनिटी और कोऑर्डिनेशन था उनके बीच में, लैक ऑफ प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ फीलिंग नेशनलिज्म अमोंग द मासेस। बेसिकली सारी कंट्री नहीं सोचती थी कि हमें कंट्री को आज़ादी कराना। बेटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी ब्रिटिश एनेबलिंग क्विक इन्फोर्समेंट्स के पास, सॉरी बेटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी ब्रिटिशर्स के पास उस टाइम पे, टेलीग्राफ वगैरह था। जो रबल्स थे वो डील करते थे अर्ली ब्लो और ब्रिटिशर्स कैप्चर दिल्ली के साथ। दिल्ली के गिरते ही पूरा जो रिवोल्ट है गिर गया। 1859 में ब्रिटिशर्स अथॉरिटी ने इंडिया के ऊपर फुली रिएबलिश कर लिया। असब ए बगावत ए हिंद, बुक बाय सर सैयद अहमद खान, उर्दू लिखी गई, जो डिस्क्राइब करते रिवोल्ट। नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था? डिफरेंट हिस्टोरिकल्स थे जो डिफरेंट परसेप्शन के साथ आए थे। बेनाजिम डिजराइला, नेशनल राइजिंग था। वीर सावरकर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। जे एन नेहरू, फेडरल आउटपोस्ट था जो फेडरल चीफ ने लिया था। सर जॉन लॉरेंस, सिपॉय मिटिनी, और टी आर होनलेस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बर्बरिज्म। तो ये सारी चीज़ें थी जो रिवोल्ट को सप्रेस करती। तो ये था बेसिकली रिवोल्ट। आपको नोट्स चाहिए हम आपको इसमें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।